फैंस को टारगेट तो एक साल से चल रहा है, बट पता नहीं क्या बोलने का। मैंने बहुत बार बोल चुका है कि भले कितने भी कुत्ते भौंको, अभी शेर पिंजरे में बंद है, जब पिंजरे का दरवाजा खुलेगा तो कुत्ते भी भाग जाएंगे। और वो फेक न्यूज़ मैंने भी सुनी, मुझे बहुत से फ्रेंड लोग बोला कि ऐसा कुछ है क्या, बोला शाहरुख खान इज़ दी ओनली एक्टर टू रिसीव अ यूनेस्को अवार्ड चैरिटी के लिए। और क्या चाहिए यार, शाहरुख खान ने बहुत कुछ दिया है बट वो बताते नहीं है, और कभी भी ट्वीट वगैरह नहीं करेंगे या किसी दोस्तों को नहीं बताएंगे कि मैंने इतने पैसे दिए, काफ़ी कुछ चैरिटी की है। और शाहरुख खान का ऐसा बड़ा दिल है यार, जो नहीं दिखाना चाहते कि बोला ऐसा सबको नहीं बोला कि मैंने इतने पैसे दिए, इतने पैसे दिए, पर इंडियन मीडिया ऐसा कर रही है कि शाहरुख खान ने पैसे दिए ही नहीं। इट्स अ फुल ऑन फेक न्यूज़। शाहरुख खान ने बहुत चैरिटी की है। स्ट्रैटेजी शाहरुख खान को नीचे गिराने की, ऐसे ही मूवीज थोड़ी डाउन हो रही तो लोग ऐसा सोचे कि ये सब वीडियोज़ बना के उसको और नीचे कर देंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। कुछ भी कर लो नहीं होगा। और शाहरुख खान ने कुछ बोला भी नहीं बारे में, अगर इतना ही कुछ है तो आप शाहरुख खान को जाके बोलो ना सामने जाके कि अरे क्या यार क्या फाय पैसे तो दिया है, ऐसा क्या काम कर रहा है, दम है तो शाहरुख खान को बोल के दिखाओ, फिर देखते क्या होता है। तीन खान का स्टारडम इतना हाई है, मतलब फ्रॉम पास्ट 25-27 ईयर्स से लोग इंडस्ट्री में, तो पब्लिक की नज़र उन पर जाते सीधा, बिकॉज फैन फॉलोइंग इतनी है इन लोगों की, बच्चे से लेके बूढ़े तक, और आजकल हर कोई ट्विटर पे है। तो न्यूज़ देखने के लिए कोई खान ने क्या बोला है या कोई एक्टर ने क्या बोला वो देखेंगे, पहले खान ने क्या बोला वो देखेंगे। तो टारगेट जानबूझ के खाली पिन किया जा रहा है बार बार खान्स को। इट्स एवरीथिंग रॉन्ग यार, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न दे आर डूइंग। आई थिंक टीआरपी पाने के लिए या कुछ फेमस होना है तुम लोगों को, उसके लिए कर रहे हो, डजेंट मैटर फॉर देम, उन लोगों को कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा उससे। तो मैंने बहुत साल पहले ही बोल दिया था कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट को लेना ही नहीं चाहिए, हमारे इंडिया में बहुत आर्टिस्ट है, या तो फिल्म सीरियल्स में भी देख लो यार, ऐसे ऐसे एक्ट्रेस मिलेंगी यार कमाल का काम करती है, वहाँ से लेके आ रहे हो गाना गवाने के लिए क्यों यार, हमारे पास सिंगर्स नहीं है। इंडियन आइडल सीरीज़ आती है, फिर सारे गमापा है, वॉइस इंडिया किड्स है, कितनी सीरीज़ है, छोटे छोटे बच्चे भी अच्छा गाना गाते, तो क्यों आप लोगों को पाकिस्तान का आर्टिस्ट ही चाहिए गाना गवाने के लिए यार, यहाँ से लो मज़ा आएगा, ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान लोगों की। आई थिंक 17 में ही रईस मूवी आई थी, अभी भी ऑब्जेक्शन उठा था महिरा खान के ऊपर, आई डोंट नो, मुझे भी तभी वो टाइम में थोड़ा गुस्सा आया शाहरुख खान के ऊपर कि अरे यार क्यों महिरा खान, यू आर किंग ऑफ रोमांस यार, मतलब कोई भी आप ले लो यार इंडियन, मज़ा आ जाएगा। पाकिस्तान से लिया थोड़ा वो निराशा हो गया, पाकिस्तान का कोई आर्टिस्ट का कोई मजदूर भी नहीं चाहिए हम लोगों को, हमारे पास बहुत लोग हैं सब चीज़ करने के लिए, सब टैलेंटेड इधर ही है, वहाँ से आते काम मांगने के लिए, ये लोग तो वहाँ से आते इंडिया में गाना गाने के लिए, सब कुछ इधर ही करने को आते वो लोग। अब ओम फोंडी भी इंडिया में आते तो कभी तो वहाँ पर कुछ करो अपने देश के लिए यार, यहाँ पर क्या करने आ रहे हो, हम लोग का सब कुछ है, आर्टिस्ट विटिस्ट नहीं चाहिए हम लोगों को, ना ही कोई एक्टर, ना ही कोई आर्टिस्ट, ना ही कोई सिंगर, ना ही कोई डायरेक्टर, हमारे पास सब कुछ है। एंड आई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी डायरेक्टर ऑफ इंडियन प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स, प्लीज़ डोंट कॉल देम, उन लोगों को इतना बढ़ावा मत दो, उन लोगों को मत लेके आओ, यहीं पे रहो, और इतने एक्टर्स लोग पड़े हमारे पास कि बोलो की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या बात है।